फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो है कि हम डूबते हुए को कैसे बचाएं, सारी ट्रिक्स बताऊंगा, पानी के अंदर पानी के बाहर सारा कुछ बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है, सॉरी मांग लेता हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी कोई भी कमी रहती है, मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो। उसके ऊपर फालतू की कोई भी चीज़ मत डालना, क्योंकि मैं तुरंत ब्लॉक मार दूंगा। कोई गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं, कोई जो आपकी ज़रूरत की है वही काम डालना, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत लंबी है, गौर से देखना। इससे आपको अगर तैरना नहीं आता, वो नहीं बोलता कि सीख जाओगे, बट तैरना नहीं आता तो डूबते को कैसे बचाएं उसकी ट्रिक्स भी मैंने बताई हुई है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा चैनल स्विमिंग बाय मनी, दूसरा चैनल टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आई थिंक पता नहीं किधर आता रहता है आई बटन, और एक बार आई थिंक किधर आता है। ओके, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनको स्विमिंग आती है और कई डूबते हैं, उनको पता होना चाहिए कि कैसे डूबते को कैसे बचाना है। तो आज का टॉपिक है, अगर कोई डूब रहा है तो उसको कैसे बचाना है, उसकी सारी ट्रिक्स बताऊंगा, बकायदा बाहर भी और पानी के अंदर भी, क्योंकि इसके ऊपर कमेंट मुझे आज ज़्यादा आए थे पिछली बार, और मैंने बेस्ट टिप्स में भी कुछ टिप्स दी थी इसकी। स्विमिंग टिप्स के अंदर भी मैंने ये बताया था कि डूबते हुए को कहाँ कहाँ से ग्रिप करना है और कहाँ कहाँ से बचाना है। वो चीज़ मैं पहले बाहर बताऊँगा, उसके बाद अंदर जाएंगे। हमारे साथ साथ देंगे हमारे लाइफ गार्ड, क्या नाम था एक बार फिर से वो बताना, तरुण जी हमारा साथ देंगे, ठीक है। और ये डूबेंगे, मैंने बचाना है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अभी तैयार हो जाएंगे थोड़ी देर में। पहले हम ग्रिप करेंगे कि कहाँ कहाँ से ग्रिप करना है, डूबते हुए को कहाँ से पकड़ना है। सबसे आसान ग्रिप से स्टार्ट करते हैं। सबसे आसान ग्रिप यही है कि आप पानी में जाते हो, चिन से पकड़ के इसको ऊपर करके आप चेस्ट पे एक हाथ को आप ऐसे करोगे, से प्रेस करोगे नीचे को, और दूसरी जो आपने जो मैंने गहरे पानी में कैसे खड़े रहे वो तीन ट्रिक्स बताई है, एक फ्री स्टाइल की किकिंग बताई है, एक ब्रेस्ट की, एक जो साइकिलिंग होती है वैसी, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे लिस्ट में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। मेरे चैनल में जाना बड़ा आसान है, यहाँ पे मेरे चैनल का लोगो आ रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी वीडियो आ जाएगी। होम बटन होगा, उसके साथ वाला वीडियो होगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा गहरे पानी में कैसे खड़े रहते हैं। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, उसके अगर आपने नहीं देखी तो वो देख सकते हो, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, आपको गहरे पानी में खड़े रहना आना चाहिए, ठीक है। अगर वो चीज़ आती है तो आप बंदे को बचा सकते हो। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ग्रिप करने के लिए जहाँ से बढ़िया है, आप प्लेयर को पकड़ के जो डूब रहा है उसको आप ऊपर कर दो तो उसका फेस ऊपर हो जाएगा, जिसके कारण उसको जो बॉडी है उसकी ऑटोमेटिकली फ्लोट करने लग जाती है और जोर कम लगता है। एक तो ये ग्रिपिंग होगी, दूसरी ग्रिप होगी कि आप मतलब कि पानी में आके आप उसको यहाँ से ग्रिप करके ऐसे ऊपर ले जा सकते हो और उससे ये हाथ मार सकते हो, चाहे ये आप जो आपका हाथ ज़्यादा बढ़िया है, ये वाली ग्रिप, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाली ग्रिप करके आपने अपने आप को भी सेफ रखना है और उसको भी सेफ रखना है, ठीक है। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जब आप तैरते हो या फिर डूबने वाले को बचाने जाते हो तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, आपके ऊपर ही चढ़ जाता है, तो उससे कैसे बचना है। जैसे सपोज करो ये मैं इसको बचाने जा रहा हूँ, ये मेरे कंधों को पकड़ के मुझे नीचे प्रेस करेगा, तो मुझे क्या करना है, मुझे गहरे पानी में जाना है। जब मैं गहरे पानी में जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे छोड़ देगा, क्योंकि मैं पानी के अंदर जा रहा हूँ और इसने पानी से बचना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली छोड़ देगा, उसके बाद इसकी बैक में जाना है, पीठ वाली साइड में, ठीक है। पीठ वाली साइड से ये घूम नहीं पाएगा, इसके हाथ ऐसे चल रहे होंगे, ठीक है। तो आप इसको बाजू से कवर कर सकते हो, यहाँ से कवर कर सकते हो, यहाँ से कवर कर सकते हो। ये तीन ट्रिक्स मुझे सबसे बेस्ट लगती है, और सबसे बेस्ट वाली मेरी ट्रिक ये वाली है, और बाजू वाली भी बेस्ट है, ठीक है। और आप इसका कॉस्ट्यूम भी पकड़ सकते हो, जैसे कि अब सपोज करो कॉस्ट्यूम दिख नहीं रहा, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, कॉस्ट्यूम ग्रिप करके आप भी इसको बाहर निकाल सकते हो। पर उससे पहले मैं एक चीज़ और टिप्स दे देना चाहता हूँ कि अगर आपके मतलब कि पानी के पास ही डूब रहा है, ये ज़्यादा दूर नहीं है, आप बाहर खड़े होकर ही पानी के साथ हाथ लगा सकते हो। अब मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, तो चलो पहले उसके बारे में बता दें। तो फ्रेंड्स क्या करना है, जैसे कि ये मैं पूल के किनारे बैठा हूँ, जैसे अब सपोज करो आप बीच में हो या कहीं और हो, तो सबसे पहले क्या करना है, अगर कोई डूब रहा है आपको बचाना नहीं आता, तो एक खाली बोतल होती है कोल्ड ड्रिंक की, ये जेन्युइन बहुत जल्दी मिल जाती है, पर इसके ऊपर ढक्कन लगा होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं है। अगर कोई डूब रहा है, अगर आप उसके पास ये दो बोतलें फेंक देते हो तो वो आसानी से बच सकते हो, क्योंकि ये जब खाली बोतल के ऊपर ढक्कन लगा होगा तो ये मतलब कि काफ़ी सहारा देती है डूबने को बचाने के लिए, ठीक है। अगर आप दो बोतलों को बांध के एक साथ फेंक देते हो और बढ़िया हो जाता है, ठीक है। और इसका क्या करना है, अगर कोई डूब रहा है तो उसको बताना है कि ये यहाँ पे फंसा ले अंडर आर्म्स में, जिसके कारण वो इजीली खड़ा हो जाएगा और इजीली हाथ मार सकता है, ठीक है। एक तो ये, और दूसरी बात ये कि अगर आप पूल में हो या कहीं बीच में हो, कोई डूब रहा है, तो जैसे कि कोशिश करनी है कि आप बाहर से ही सेफ करो, उसको अंदर जाके मत सेफ करो, क्योंकि अंदर जाके ज़्यादा जोर लगेगा। आप सपोज करो यहाँ पे बंदा डूब रहा है पास में, तो मैं क्या करूँगा, इजीली एक हाथ पैर यहाँ पे रखे अपनी बॉडी को मतलब कि हाथ दे के उसको ईजिली बाहर कंधे पर निकालूंगा, और उसको बाहर निकालने की नहीं कोशिश करनी, उसको पानी के अंदर ऐसे खिसकाना है, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे वो पानी के अंदर अंदर मतलब कि जो बॉडी का जोर है आपका बिल्कुल नहीं लगेगा, वो अपने आप फ्लोट करके बाहर आ जाएगा, हल्का सा हाथ दिखा, हालांकि वो आपको खींचेगा भी तो आप अंदर जाओगे नहीं, क्योंकि वो पानी के अंदर है, ठीक है। पानी के अंदर बॉडी बहुत लाइट होती है। और दूसरी बात, लाइफ जैकेट होती है ऐसी वाली, हालांकि ये लाइफ जैकेट नहीं है, पर ये गले में डलता है,
अगर का आप फोम की कोई चीज़ फेंकते हो, ये फोम होती है इसके अंदर जिसके कारण ये ऊपर तैरती रहती है, तो सबसे पहले आप इसको ही फेंक सकते हो। अगर आप स्विमिंग पूल में हो, ये मत सोचो कि आप हम कूदने चले जाए, तो सबसे पहले इसको फेंको। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई भारी बंदा है, मतलब कि आपसे 10 गुना ज़्यादा वेट है किसी का, तो उसको बचाने के लिए बिल्कुल मत जाना। उसके लिए पहले अपना सोच लेना कि हाँ भी अगर आप उसको उठा सकते हो, उसका वजन मतलब कि खींच सकते हो, उसी हिसाब से जाना, क्योंकि हैवी बंदे को खींचना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो कोशिश करनी है, आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो हैवी कम ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट बचाने के लिए सबसे पहले अपना खुद की सेफ्टी देखनी है, फिर दूसरे को बचाने जाना है। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि हम उसको बचा सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस होना, तो मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या हो जाएगा कि आप उसको बचाने जाओगे और आप भी डूब जाओगे, दोनों एक साथ डूब जाएंगे, क्योंकि उसने तो पानी पिया ही होगा, वो आपके ऊपर चढ़ेगा, फिर आप भी नर्वस हो जाओगे, जिसके कारण आपके मुंह में पानी चला जाएगा, जिसके कारण सांस फूलने के कारण हमें तैरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलो आप पानी के अंदर ट्रिक्स बताएंगे। तो ये थी पूल के अंदर, अगर आप पूल में कोई डूब रहा है तो पास में ऐसे ही बचाना है। अगर दूर डूब रहा है और आपको तैरना नहीं आता, तो आसपास सबसे पहले आपने खाली चीज़ देखनी है, थर्माकोल भी चलेगा। ठीक है ना, जो थर्माकोल आता है, जिसमें कई वेले क्या कहते हैं, गर्मियों में कई बीच पे घूमने जाते हैं, तो उसमें ना कोल्ड ड्रिंक वाल ड्रिंक रखते हैं, और वो काफ़ी लाइट वेट होता है, और उसमें कोल्ड ड्रिंक ठंडी भी रहती है। अगर आप वो थर्माकोल भी अंदर पानी के फेंकते हो, वो भी डूबता नहीं है। अगर आप उसके अंदर पानी भर जाएगा, वो बात अलग है, पर उसको तोड़ के फेंकना, मतलब कि उसमें पानी ना भरे इस हिसाब से। ठीक है, या फिर उसका ढक्का लगा के उसको टेप करके फेंक दोगे ना, तो भी वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। ये चीज़ें कुछ ध्यान रखनी है। तो चलो अब हम आपको पानी के अंदर दिखाते हैं कि कैसे डूबते हुए को बचाना है। स्टार्ट करते हैं। पानी में जाने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो बहुत गंदा मजाक करते हैं कि पानी में जाके उनको तैरना आता है, हालांकि डूब नहीं रहे होते, फिर भी कह रहे हैं कि हम डूब रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, ये सबसे घटिया मजाक कभी भी पानी में मत करो। दूसरी बात, जिसको नहीं तैरना आता उसको पानी में जबरदस्ती पकड़ के मत डुबो, ये मतलब कि घटिया हरकत होती है, सबसे घटिया हरकत होती है। और ये खासकर दोस्त बड़े करते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या होता है कि जब आप करते हो तो अब उसके अंदर पेट के अंदर पानी जाता है, जिसके कारण वो बाद में बीमार पड़ जाता है, उसका आपको पता नहीं चलता। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत लंबी है, उसके लिए सॉरी मांग लेता हूँ, कि ऐसा गंदा मजाक आप कभी ना करो। ठीक है ना फ्रेंड्स, जिसमें खतरा हो आपको, आपके दोस्त को, या फिर आप सोच रहे हो कि हम नाटक करेंगे और लाइफ गार्ड कूद के बचा लेंगे, बट पता क्या है, फिर लाइफ गार्ड में दिमाग में एक चीज़ सेट बैठ जाती है कि एक लड़का पहले मजाक कर रहा था, ये भी शायद मजाक कर रहा होगा, ये चीज़ काफ़ी रहती है। और दूसरी बात कि जिसको तैरना नहीं आता वो गहरे पानी में चला जाता है, उसके बाद वो चोट दिखाता है कि भाई मुझे तो तैरना होता है, ये है वो है, बाद में वो पानी पी लेता है। अगर जो पूल वाले होते हैं उनको डांटते हैं या बोलते हैं, तो वो भी उनको चुभते हैं कि हाँ भैया क्यों बोल रहे हैं। मतलब कल का सीन है, कल वहाँ पे एक लड़का डूब रहा था, ठीक है, और उसके बाद उसके मतलब कि जो इनका क्या होता है कि अगर कोई डूब जाए तो सारा बर्डन पूल वालों पे आता जाता है, जिन्होंने ठेका ले रखा होता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखा करो कि तो फ्रेंड्स, पानी में जाने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, अभी मेरे दोस्त जिसके ऊपर वीडियो बनानी है वो भी तैयार है। एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप गॉगल्स लगा के तैरते हो, ठीक है, तो गहरे पानी आप बिना गॉगल्स के जाओगे, आपको घबराहट जरूर होगी, क्योंकि पानी में धुंधला धुंधला नज़र आएगा, क्योंकि आदत पड़ जाती है हमें गॉगल्स लगा के एकदम क्लियर देखने की। ठीक है, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना कि जब आप किसी को बचाने जाओगे गॉगल्स के बिना जाओगे, तो काफ़ी आपको डर लगेगा, क्योंकि ये पानी में हमारी प्रैक्टिस रहती है साफ़ पानी में। ठीक है, जो गंदे पानी में कर रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना चश्मे कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो प्रोफेशनली होगा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो गूगल के साथ जा रहा है चाहे वो बिना गूगल्स के जा रहा है। ठीक है ना, पर गूगल्स के साथ एकदम क्लियर दिखता है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कैसे बचाना है। और ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपने मेरी वीडियो देखी होगी गहरे पानी में कैसे खड़े रहे, उसमें सेम ट्रिक्स हमने इसमें अप्लाई करनी है, पर बकायदा अब हमारे साथ कोई एक डूबने वाला पर्सन होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि आपको पानी में क्लियर दिख जाए, पर जितना भी दिख रहा है उससे सहारा पड़ेगा, क्योंकि पानी थोड़ा गंदा था तो दूर तक नहीं दिख पा रहा था। इंसान डूबता है तो सबसे पहले उसके आपने बैक में जाना है, मतलब कि बैक साइड में जाना है, उसके फ्रंट में नहीं जाना, क्योंकि अगर फ्रंट में जाएगा तो नीचे डूबेगा। ठीक है, नीचे से लेग्स देख लो, अगर आपको साइकिलिंग आती है, ये बाजू से पकड़ के मैं इसको एक साइड में लेके आ रहा हूँ। तो ये ट्रिक्स आपने सेम अप्लाई करनी है अगर आपको साइकिलिंग आती है, गहरे पानी में खड़े रहना आता है। तो एक बार मैं आपको सारी लेग्स मूवमेंट दिखा देता हूँ, जिसके कारण आपको समझ में आ जाएगा। लेग्स मूवमेंट ब्रेस्ट की होगी, ये ब्रेस्ट मूवमेंट आप क्लास में, ब्रेस्ट में जो लेग्स चलती है ये चेक कर सकते हो, सेम लेग्स मूवमेंट चलती है अगर कि आपने किसी को बचाना है। एक हाथ नहीं चला रहा हूँ क्योंकि एक हाथ से हम पर्सन को पकड़ेंगे। ठीक है, साइकिलिंग वाला हो गया, उसके बाद आप हो गया फ्री स्टाइल। इसमें मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको दिखा दूँ, मैं बाहर से भी कोशिश करूँगा दिखाने का। ठीक है, बाहर से तो मैं दिखाऊँगा। ठीक है, जब हम आप किसी को लेके आते हैं तो लेग्स ऐसे चलती है और हैंड ऐसे चलता है, और माइंड को रिलैक्स रखना है। एक चीज़ रखना है कि अगर आपका कोई पर्सन पकड़ने लग जाता है तो उसको छुड़ाना नहीं है, आपने खुद गहरे पानी में चले जाना है, तो वो ऑटोमेटिक आपको छोड़ देगा।
ठीक है, ये किक्स देख लो आपने ऐसे करनी है। सॉरी मांग रहा हूँ कि आपको क्लियर नहीं दिख रहा, जितना भी दिख रहा है उससे यार थोड़ा एस्टिमेट कर लो। तो चलो एक बार दिखा देता हूँ, जैसे कि अब ये पर्सन डूब रहा है तो मैंने डाइव मार के सबसे पहले इसके बैक में जाना है, बहुत कम दिख रहा है उसको भी, सॉरी। ठीक है, किकिंग जो मैंने अभी दिखाई है वो दिखा सकता हूँ कि किकिंग मैं सेटिंग करूँ, ब्रेस्ट की किकिंग करूँ तो आसानी से बंदे को बाहर लेके आ सकती है। अगर आपने वीडियो स्किप करके नहीं देखी तो मैंने आगे भी टिप्स दिया, अगर आपको नहीं आता तैरना तो आप कैसे रिसीव कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी मैं आपको सबसे पहले बता दूँगा जो सबसे आसान ट्रिक है वो भी बता दूँगा कौन सी है। ठीक है, जो चिन से पकड़ते हैं मैं उसकी आपको बाहर से वीडियो दिखाऊंगा, अंदर से लेग्स मूवमेंट आपने देख लिया, लेग्स मूवमेंट सेम रहेगी, ग्रिपिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, अगर आपने स्टार्टिंग से स्किप नहीं की है तो। ठीक है, अब आपको मैं बताऊंगा कि अगर हम डूब रहे हैं कोई उसको बाहर से कैसे सेव करना है, और मूवमेंट की जो सबसे आसान मूवमेंट है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ये चेक कर सकते हो कि मैंने इसको चिन से पकड़ा हुआ है और लेग्स मूवमेंट मेरी ये चल रही है जो कि फ्री स्टाइल की है। ठीक है, मतलब कि सेटलिंग की जो मेन सेटलिंग की रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, अगर गहरे पानी में गंदे पानी में आपने एक बार प्रैक्टिस नहीं की तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ग्रिप करने के लिए क्या करना है, आपने हल्का सा चिन के ऊपर, जब आप चिन के ऊपर हैंड करोगे तो उसका फेस ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा, जिसके कारण वो हाथ मारे या ना मारे तो वो इजीली ऊपर रहेगा, जिसके कारण उसको आसानी से सांस आएगा और घबराहट नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आसानी से मैं एक बार वो आपको और दिखा देता हूँ अच्छे से कि आपने ग्रिप कैसे करना है, वो सारी ग्रिप मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि चिन से पकड़ना है, अपने चिन को पकड़ना है, ऊपर कर देना है, जिसके कारण जो बंदा डूब रहा है वो फ्लोटिंग में आ जाएगा, जिसके कारण उसकी बॉडी का जोर लगना बंद हो जाएगा और वो पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा। ये सबसे आसान तरीका दे सकते हो, मैं बड़े आराम से उसको लेके जा रहा हूँ और वो कोई हाथ पैर नहीं चला रहा। ठीक है, अब मैं थोड़ी ग्रिप सारी दिखा दूंगा कि कैसे बाजू से पकड़ते हैं तो क्या होता है, अगर हम अंडर आर्म्स के नीचे से हम उसको हाथ लेके जाते हैं तो क्या होता है। चिन से पकड़ के आपने इजीली हाथ चलाने हैं, देख लो पर्सन कोई नहीं हाथ चला रहा, वो आराम से मैं फ्लोट कर रहा हूँ और अब खुद की भी फ्लोटिंग होगी। ठीक है फ्रेंड्स, देख लो ये मशीन की तरह घूम रहे हैं ना आराम से। तो फ्रेंड्स, दूसरा है कि बाजू से पकड़ना है, बाजू से आपको थोड़ा एक ध्यान रखना है कि बाजू से हमेशा उल्टा पकड़ना है, अगर आपने बाहर लगे तो सीधा पकड़ोगे तो उसका फेस पानी के अंदर चला जाएगा। उसके बाद अंडर आर्म्स के नीचे आपने हाथ देके, सेम फुटवर्किंग सेम रहेगी, अंडर आर्म के नीचे आपने हाथ दे देना। अगर आपका फ्रेंड्स इतनी दूरी में हम नहीं हाथ पहुँचा सकते या कोई चीज़ फेंक लो, अगर आपको नहीं तैरना आता, अगर तैरना आता तो आप इजिली डाइव मार के उसको बचा सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तैयार है? ओके फ्रेंड्स, मतलब कि पकड़ के उस बंदे को बोलना भी है रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, पहली ग्रिप अभी मैंने जो की है ये वाली की है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, जो नीचे हाथ लड़ाते हैं खड़ा भाई, मतलब कि अभी मैंने ये वाली ग्रिप की थी। ठीक है, ये वाली ग्रिप इजिली साथ में हाथ मार रहा हूँ और पैर चला रहा हूँ। मतलब कि जो आर्म्स के बैक में देते हैं और डाइव मार के बंदे के हमेशा पीछे जाना है बैक में। ठीक है, बैक में जाके ग्रिप करना है। ठीक है, ग्रिप करते समय ध्यान रखना है कि आपने उसके मतलब कि गले को नहीं दबाना। ठीक है, केवल क्या आता है ध्यान नहीं रहता तो गले को नहीं दबाना। अब दूसरी ग्रिप दिखाता हूँ जो कि चिन से वाली है। ठीक है, चिन वाली ग्रिप सबसे आसान रहती है और इसमें आपको हाथ हूथ कुछ नहीं पकड़ना, सिर्फ चिन को पकड़ना है। ठीक है, और फेस ऊपर करना है। ओके, तो चलो एक बार अभी ये यहाँ खड़ा होगा, यहाँ पे मैं आपको खड़ा होकर दिखा देता हूँ कि कितना मतलब कि मैं कितना डूबता हूँ इसमें। अभी मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँगा पूल में, मतलब कि ये 6 फुट का पानी है, ये देखो। अब मैं ये पानी में अंदर खड़ा हुआ था, सपोज करो इतने पानी में कोई डूब रहा है, क्या करना, कमर से उठा देना और आप कुछ देर पानी में ब्रीथिंग करनी है, मतलब कि आपने धीरे धीरे सांस छोड़नी है और बंदे को ऊपर कर देना है कमर से। ठीक है, कमर से, शोल्डर से, कहीं से भी मैं डूबना। ठीक है, उसके बाद उसको बाहर लेके आना है। ठीक है, ओके, ये बहुत आसान है। अगर आपके अंदर स्टेमिना है तो इतने कम पानी में तो चुटके में बंदा बच जाता है, इसमें डूबने के चांस बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, आपने क्या करना है, पानी में से उठाना है कमर को, जब आपके हाथ में वजन होगा तो आप इजीली पानी में चल पाओगे, अगर भाई बिना वजन के पानी में नहीं चल सकते। ठीक है, ये ट्रिक्स तो ऐसे बहुत कम अप्लाई होती है, हमेशा ये गहरे पानी में बंदा ज़्यादा डूबता है जिसमें उसके हाथ पैर नहीं लगते, पर कई नर्वस होने के कारण कम पानी में भी डूब जाते हैं,
तो अब क्या करना है, बाजू से पकड़ के ऊपर करके बाहर लेना है। ये थोड़ी मुश्किल रहती है, क्या कहते हैं इसमें थोड़ा पावर लगती है क्योंकि बंदे को बाहर रखना होता है। तो एक बार वो भी दिखा देते हैं, चलो भाई। मैं डाइव मार के इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि जब मैं डाइव मारता हूँ मैं बहुत जल्दी पहुँच जाता हूँ। ओके रेडी स्टार्ट। इजीली आपने पकड़ लेना बाजू से, उसको ऊपर करना है और आराम से लेके आना है। उसको बोलना रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, दीवार के पास आके उसको छोड़ देना है, उसने दीवार ऑटोमेटिकली पकड़ लेनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अंडर वाटर मैंने सारी स्विमिंग सिखा दी है, मतलब कि अगर कोई डूब रहा है तो उसको कैसे बचाना है, मैं सारा कुछ टेक्निक बता दिया। मुझे पता है आपने वीडियो स्किप करके देखी होगी पक्का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है। अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी होती तो शायद आपको कुछ ना कुछ सीखे होते। चलो, जितना भी आपने सीख लिया, क्योंकि इसमें मैंने सारी बताई है, ग्रिपिंग कैसे करनी है पानी के अंदर। हालांकि कम पानी में मैंने बताया, मैं गहरे पानी में नहीं था क्योंकि इधर सेशन चल रहा है, ये साफ़ हो रहा है पूल। और दूसरी बात कि क्या कहते हैं कि जितना मैं दूर जाता जाऊँगा उतना कैमरे में आपको कम नज़र आएगा। और जो मैंने अंडर वाटर में शूट किया है उसमें अगर कमी है तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे पास इतनी टीम है तो है नहीं कि हाँ भी सारे जने ऐसे ही एंगल ले ले। और बस जो भी है यही है, मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। आप सारे बहुत सपोर्ट करते हो, टेक्निकल लवली मनी को भी सपोर्ट करो। ये रहा ना स्विमिंग बाय मनी टेक्निकल लवली। ओके मनी, तो आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको कुछ समझ में आया, तैरना नहीं आता तो कैसे किसी की हेल्प करनी है, वो सारा कुछ मैंने इसमें ट्रिक बताई है। पहले 6 मिनट के आपको मुझे पता बोरिंग लगे होंगे, पानी के अंदर शायद थोड़ा बहुत ठीक लगा होगा, बट जो भी था यही था सब कुछ। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स। जल्दी मतलब कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे कर दो, चाहे तो मैं एक बंदे को एफर्ट कर सकूँ जिसको कि कैमरामैन के अच्छे से बोल सकूँ, मेरे साथ एक बंदा हो जाए जिसको मैं कह सकूँ कि हाँ भाई कैमरा यहाँ से शूट कर ले, यहाँ से बढ़िया रहेगा तो वो बढ़िया शूट करेगा और आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी। मतलब कि आपके ऊपर ये सारा कुछ, देख लो कैसे वीडियो को क्वालिटी बढ़ानी है। कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो जाए। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, वीडियो लंबी के लिए सॉरी। नेक्स्ट वीडियो किस पे आए मुझे हैशटैग करके बताना, मतलब कि हैशटैग बता देना कि वीडियो कौन सी लगानी है, कौन सी बनाऊँ आगे। तो यही पार्ट इंपॉर्टेंट था, मैंने मतलब कि इसको मुझे पता था ये लंबी बनेगी, पर फिर भी क्या कर सकते, बना दी हमने। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, वॉच द वीडियो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ये है चैनल मेरा स्विमिंग बाय मनी, दूसरा टेक्निकल लवली मनी जिसपे मैं टेक्निकल की न्यूज़ आता हूँ, जिसकी माल की अनबॉक्सिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, ऐसी ही तरह आपको वो वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।